नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पार्टी के देखिए राहुल गांधी से खटास, जाने कांग्रेस से क्यों दूर हुए कमलनाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कमलनाथ हाशिए पर चल रहे थे। पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी थी। इसके साथ ही कमलनाथ की राहुल गांधी से खटास भी उनके कांग्रेस से दूरी की वजह मानी जा रही है। कमलनाथ ने कांग्रेस से बनाई दूरी, विधानसभा चुनाव के बाद से नहीं मिली थी जिम्मेदारी, अब भाजपा में हो सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। कारण है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ। दरअसल अटकलें हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद भी है, उनके साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ कई विधायक, पूर्व विधायक और कई कांग्रेस नेता भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा झटका है। हालांकि पुराने घटनाक्रमों पर नजर डाली तो कमलनाथ की कांग्रेस से घटास अचानक नहीं बढ़ी है। इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद से ही मानी जा सकती है, जो कि राज्यसभा चुनाव पर आकर खत्म होती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर पर फूटा और राहुल गांधी की नाराजगी के बाद कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तक कि कमलनाथ को सदन में नेता प्रतिपक्ष तक का पद नहीं दिया गया और उमंग सिंघार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से ही कमलनाथ प्रदेश की राजनीति से दूर चल रहे थे और उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना लिया था। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश प्रभारी बनाया था। तब कमलनाथ के हाथों में कांग्रेस की चुनावी बागडोर थी। उस दौरान सुरजेवाला और कमलनाथ के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी। रात के नजदीकी सूत्रों तो ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बन गए रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता दिल्ली में रहकर उनके खिलाफ विष उगल रहे हैं और सुनियोजित ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाकर बात की गई थी। मध्य प्रदेश में खाली राज्यसभा की बात सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर कमलनाथ का नाम भी चला था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।